हरे कृष्णा बोलो जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन माधव मदन मुरारी जय केशव कलिमलहारी जय केशव कलिमलहारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी बोल लगना है जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन एक नहीं तो जय केशव कलिमलहारी जय केशव कलिमलहारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी चोरी चोरी नव नीत जो खायो जो खायो ब्रजित नाते नाम धरायो ब्रजित नाते नाम धरायो माखन चोर मुरारी जय माखन चोर जय माधव मदन मुरारी जय केशव कलिमलहारी जय केशव कलिमलहारी सुंदर कोंदल नयन विशाला गले सहे बरियतिमाला बोलो सुंदर कोंदल नयन विशाला गले सहे छब के बलिहारी या छब के बलिहारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी बाल बाल संगे मेनो चराई बन बन भ्रमाता फिरे जदुराई बाल बाल संगे मेनो चराई बन बन भ्रमाता फिरे जदुराई कांदे कामर कारी
गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठ नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित नीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नित नीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में
श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान अजन्म होते हुए भी भगवान जगत में क्यों जन्म हुए, इसको पीछे हम लोगों ने बहुत बहुत कुछ कारण हम लोगों ने कल तक सुने हैं। अभी श्री वृंदावन दास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु के हैं जगत में किस लिए अवतीर्ण हुए और जगत में कैसे क्यों आए, इसी विषय को ऊपर में बता रहे हैं। बोले धर्म पराभव है जखने जखने, अधर्म मेरा प्रबलता बाढ़े दिने दिने। भगवान जगत में क्यों आते हैं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इसी इसको लेकर के श्री प्रभुपाद बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। ध्यान देख रहे हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान जगत में क्यों आते हैं, बोले जब जब इस जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म का हानि होने लगता है और जगत में राक्षसों का उत्पात है और संतों के ऊपर में अत्याचार होता है, मैं तब तब जगत में जन्म ग्रहण करके धर्म को मैं स्थापन करता हूँ और दुष्ट को मैं संहार करता हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न होता है, तो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कहते भगवान को आने का क्या जरूरत है, भगवान क्यों आए धर्म स्थापन करने के लिए। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद आए, हमारे गुरुदेव आए और नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए, षड गोस्वामी आए, रामानुज मध्वाचार्य विष्णु स्वामी निम्बार्क भी आए, कहते ये लोग भी तो धर्म स्थापन कर सकते हैं और आए जगत में धर्म स्थापन किया है और जगत में हरिनाम का प्रचार प्रसार किया, वैष्णव धर्म को खूब प्रचार किया, वैष्णव धर्म को हैं प्रचार करके फिर चले गए। भले ये लोग भी तो कर सकते हैं पर ये भगवान को आने का क्या जरूरत है, भगवान को परित्राणाय साधु नाम, मतलब साधुओं को परित्राण करने के लिए। बोले साधु तो ऑलरेडी परित्राण है ही, साधु को क्या परित्राण करें, साधु तो हर समय परित्राण है, हर समय मुक्त है, फिर उनको क्या परित्राण करना। तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कहते कुछ विशेष कारण है जो कारण के लिए भगवान को आना पड़ता है। बोले क्या कारण है, कहते हैं बोले एक तो दुष्टों को विनाश करना और संतों को परित्राण करना है। कहते संतों को परित्राण करना मतलब होता है उनको दर्शन दे करके उनको विरह से उनको उद्धार करना है, उनको दर्शन दे करके भक्तों का जो विरह है, कब भगवत दर्शन होगा, कब भगवत दर्शन होगा, भगवान कब हमारे ऊपर में कृपा करेंगे। कहते भक्त लोग तो आएंगे जैसे प्रभुपाद भी आए, लेकिन इन प्रभुपाद आए जगत में धर्म प्रचार किया चले गए, लेकिन कृष्ण जो काम किया, महाप्रभु ने जो काम किया, कभी ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे गोपियों ने पूर्व पूर्व जन्म में गोपियों ने कौन थे, कुछ श्रुतिचरी, कुछ हैं कहते वेद का कुछ मंत्रों ने कठोर तपस्या की, जब भगवान दर्शन दिया बोले क्या चाहते, बोले प्रभु आपको गोपियां जैसे आपको प्राप्त किया था उसी भाव से आपको हम पाना चाहते, बोले ये नहीं होगा और कोई चीज मांगो, बोले नहीं हम यही चाहते हैं। बोले ठीक है तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी रूप में लेकर के आओ हैं। कहते ये वेद का कुछ मंत्र, कहते दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि लोग थे हैं ये लोग जब राम रूप को देखे, रूप देकर मुग्ध हो गए, भगवान राम को पति रूप में प्रार्थना किया, भगवान राम बोले इसी अवतार में नहीं, मैं जब द्वापर युग में आऊंगा तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। अभी ये भी सबके सब गोपी बन करके आए हैं सबके सब हैं। बोले जनकपुरी के जितनी सब स्त्रियां, जितने सबके सब सीताजी की सहेलियां, ये भी सबके सब श्री गोपी बन करके आए हैं। कहते क्या कोई साधु, जैसे बड़े बड़े साधु कोई महापुरुष आए, क्या उनको
क्या इनको विरह से दूर कर सकता है इनका, जगत में धर्मता स्थापना कर सकते हैं, लेकिन है इनका जो विरह है, इनको जो पति रूप में जो प्राप्त है, सखाओं को सखा रूप में जो प्राप्त है, माताओं का बात्सल्य रस जो देना है, कभी ये लोग नहीं दे सकते हैं। ये कौन दे सकता है ये सब चीज को? इस चीज को भगवान ही ये चीज को दे सकते हैं। इसलिए कहते परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को विरह दुख से उनको निकालने के लिए जगत में आए। परित्राण विनाशाय जो दुष्कृता, मतलब दुष्कृतियों को, पापियों को नाश करने के लिए आए हैं। पापियों को जैसे कृष्ण आए किसको मारे, बोले शिशुपाल दत्त बकर को मारे, अघासुर बकासुर को मारे, उतना को मारे। लेकिन अगर कोई भक्त आए हैं, अगर कोई भक्त आएगा क्या उतना को मारेगा? अघासुर को मार सकता है कोई भक्त आकर? गिरिराज को थोड़ी उठा सके, उठाएगा गिरिराज उठाएगा? उठाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, कहते साधारण भक्त लोग तो जगत में आकर के धर्म को स्थापन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को द्वारा जो कुछ कुछ विशेष चीज है, जो चीज को भक्त कर ही नहीं सकते हैं, जो चीज को केवल भगवान ही जो काम को कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं भैया मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, मेरे को जाना ही पड़ेगा। जैसे भक्त लोग आए, प्रभुपाद आदि आचार्य लोग आए जगत में, उन्होंने क्या किया? जगत में हरि भक्ति को जगत में प्रचार प्रसार किया है, प्रचार किया है। लेकिन लेकिन यहाँ पर कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जगत को जो दुर्लभ प्रेम को जो प्रदान किया है, हैं, जो दुर्लभ प्रेम को प्रदान किया, कहते ये केवल भगवान ही चीज को दे सकते और कोई दे नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए परित्राण आय साधु नाम बिना साय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जीवे जीव। इसलिए भगवान को इस जगत में आना ही पड़ता है, ये काम को भक्त लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। ये प्रभुपाद की बात को कह रहे हैं। बल कलयुगे धर्म है हरि संकीर्तन, एतत अर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन, कलयुगे संकीर्तन धर्म पालिवारे अवतीर्ण हैला प्रभु सर्व परिकरे, की अनंत किसी ब्रींच ऋषिगण जत अवतार पार्षद आप्तगण। जब भगवान आने का जब समय हुआ, उस समय में भगवान जगत में आए थे, क्यों? जगत में हरि नाम संकीर्तन को प्रचार और प्रसार करने के लिए जगत में आए थे। लेकिन वो आने से पहले बोले की अनंत, कहते श्री अनंत देव भी आए, बोले कौन है? श्री बलद, श्री नित्यानंद प्रभु आए, बोले की शिव, शिव भी आए, बोले कौन? श्री अद्वैता आचार्य आए हैं, हैं, बोले की बिरिंची, बोले ब्रह्मा भी आए, ब्रह्मा कौन है? बोले श्री हरिदास ठाकुर भी आए, बोले जतो ऋषिगण, जितने ऋषि पार्षद ये सबके सब आए हैं, हैं, षड गोस्वामी सबके सब, ये ऋषि बड़े बड़े ऋषि ये सबके सब आए, बोले कार जन्म नव दीपे कार चाटिकरा में क्यों राड़े ओढ़ देसे श्री हस्ते पश्चिमे। कहते भक्त लोग अलग अलग जगह पर जन्म हुए हैं, कोई नवद्वीप में जन्म हुए, कोई चाटीग्राम में, कोई राड़ में, कोई उड़ीसा देश में है, कोई श्रीहट में जन्म हुए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न कर रहे हैं, बोले क्या प्रश्न है? बोले गंगा तीर पुण्य स्थान सकल थाकिते वैष्णव जन्म एक न शौच देश थे। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, कहते महाप्रभु स्वयं तो जन्म ग्रहण किया गंगा किनारे में जन्म लिया, गंगा इतने पवित्र स्थान है, कहते ये भक्त लोग ये गंगा किनारा में जन्म नहीं लेकर के फिर ये दूर दूर में जहाँ पर अशौच स्थान है, जहाँ पर शौच स्थान नहीं, इतने दूर दूर में ये भक्त लोग फिर क्यों जन्म ग्रहण किए? इसका कारण क्या है? बोले जे जे देश गंगा हरि नाम वर्जित, जे देश पांडव नाही केला कदाचित। बोले कहाँ कर जन्म हुए हैं? जहाँ पर गंगा नहीं, जहाँ पर कोई हरि नाम नहीं ग्रहण करते हैं, जिस देश में पांडव लोग नहीं गए उस स्थान को बहुत अपवित्र मानी जाती है। इसलिए जो पांडव लोगों का जो वनवास है, इसलिए जो साधारण लोग क्या कहते हैं,
हरे भक्त होकर के उनको इतने कष्ट भोगना पड़ा, कितना 12 साल तक उनको है 12 साल तक भटकना पड़ा, 1 साल तक उनको अज्ञातवास में रहना पड़ा है, इतने कष्ट उठाए, और इतने बड़े बड़े भक्त है, कृष्ण जिनको घर में निवास करते थे, बोले गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। इसलिए नारद जी कहते हैं पांडवों तुम लोगों को पता नहीं तुम लोग कितने सौभाग्यवान हो, सवेरे देखना हाँ सवेरे देखो तो क्या होता है, हमारे घर को बाहर में बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग लाइन बनाकर खड़े रहते, हाँ ऋषि मुनि लोग लाइन बनाकर खड़े रहते, बोले क्यों, बोले कृष्ण को दर्शन करने के लिए है, ये कृष्ण साधारण नहीं, ये गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, ये परम ब्रह्म ये गुण रूप में मनुष्य मूर्ति धारण करते हुए तुम्हारे घर में बैठा है, तुम्हारे साथ में पसा खेल रहे हैं, हंसी दिलाई कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग साधारण नहीं। कहते ऐसे जो भक्त हैं, कहते ना आदो श्रद्धा तत साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। कहते जब साधन करते ना साध साध तीन अवस्था साधन का क्या है, साध भावावस्था और प्रेम अवस्था, ये तीन अवस्था। कहते केवल साधन अवस्था में ही है क्लेशग्नि और सुभदा दो, क्या क्या चक्र क्या ये ना कुछ बच्चे लोग हंसी दिले करते, इसलिए कहते जब केवल साधन अवस्था में ही क्या होता है, कहते साधक अवस्था में उसका दो लक्षण है, क्या क्या लक्षण है, बोला क्या क्या, बोला क्लेशग्नि और सुभदा। बोले जो क्लेशग्नि क्लेशग्नि अवस्था में बोले कूट बीज प्रारब्ध अप्रारब्ध है, वो जितने सारे अनर्थ पहले में ही नष्ट हो जाते हैं, और उसमें सुभदा और क्लेशग्नि जीवन में जितने शुभ लक्षण प्रकट होता है और जितने क्लेशग्नि क्लेश सब के सब दूर हो जाता है, केवल साधन अवस्था में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन पांडव लोग कौन है, कहते ये भावावस्था नहीं प्रेमावस्था नहीं, ये कौन है, ये कौन है, कहते ये ज्ञानी भक्त प्रेमी भक्त प्रेमापर, ये प्रेमापर भक्त हैं, ये प्रेमापर भक्त हैं, ये बहुत उच्चे उच्चे अवस्था में भक्ति में। लेकिन इनको फिर ये 12 साल तक इनको जंगल जंगल में भटकना पड़ा है, इनको फिर भटकना पड़ा 12 साल तक, क्यों भटकना पड़ा, जो प्रेमापर भक्त हैं उनको क्यों भटकना पड़ेगा, बोले कारण यही है। बोले क्या कारण है, यहाँ पर कह रहे हैं, बोले जे जैसे देशे पांडव नाही गेल कदाचित सही देशे सही कुले वैष्णव अवतरे तहार प्रभाव लख जोजन निस्तारे। कहते जिस देश में श्री पांडव लोग नहीं गए हैं, जहाँ पर उनका चरण धूलि पड़ा नहीं, महाप्रभु ने क्या किया, भक्तों को उन्होंने देश में भक्तों को जन्म दे दिया। बोले क्यों, बोले जब एक वैष्णव किसी देश में जन्म ग्रहण करता है उसका क्या होता है, बोले तहार प्रभाव लख जोजन निस्तारे। जब एक वैष्णव कहीं जन्म ग्रहण करता है ना, उसको प्रभाव से 1,00,000 योजन तक उधार हो जाता है, 1 योजन तक। इसलिए पहले हम लोगों ने एक श्लोक सुना था ना, उस श्लोक था बोले पद्भ्याभ्याम भूमेर दिश दृगेभ्याम द्रभ्यंच मंगलम दिव बहुधोत्स्यादते राजन कृष्ण भक्तस्य नृत्यतः। ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक हो, तो श्लोक को याद करना, बहुत अच्छा श्लोक वैष्णव के लिए। कहते वैष्णव लोग हैं, जैसे वैष्णव लोग जब ऐसे हाथ उठा करके नृत्य करते हैं, कहते स्वर्ग में देवता लोगों का कल्याण होता है। जब उनकी चरण ये पृथ्वी में उनका चरण जब स्पर्श होता है, चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है, और जिस दृष्टि से है उनका जो दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं, कहते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनना, कहते प्रेम वही दृष्टि के द्वारा जितने दूर तक तो उनका दृष्टि जाती है, सारे अमंगल दूर हो जाता है, सारे अमंगल दूर हो जाता है। इतने महिमा एक वैष्णव जन्म ग्रहण करने का, इतने महिमा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले तहार प्रभाव लख योजन निस्तारे, जिस स्थाने वैष्णव गण करे ने विजय
सही स्थान है, अति पुण्य तीर्थमय। जहाँ पर वैष्णव लोग गमन करते हैं वो स्थान क्या हो जाता है, अत्यंत अत्यंत पुण्य तीर्थमय वो स्थान हो जाता है। इसलिए भैया वैष्णव बनना इतना आसानी नहीं। इसलिए कहते वैष्णव है तो मन में बड़ा छो सात आ त्रिनाद भी सुन जिस लोग पड़ी गल बात बुझवार चल बुझवार लिखना। इसका मतलब है वैष्णव बनने के लिए तो मन में वैष्णव बनेंगे, हम साधु बनेंगे हैं। अरे साधु बनने के लिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, त्रिनादपि सुनिचे न तररपि सहिष्णुना अमाने न मान देना कीर्तनीय सदा। क्या त्रिनि से भी मारे मारे तो वृक्ष को उसने क्या कर दिया, उसने एक भाग उसका के टहनिया तोड़े उसको नीचे बिछा कर बैठ गए। लेकिन पेड़ ये नहीं बताया अरे तुमने मेरी टहनिया तोड़ दिया तेरे को मैं छाया क्यों दूंगा, तेरे को मैं छाया नहीं दूंगा, ये नहीं बोलता। इसलिए पेड़ हर तरह से परोपकार करता है और हर समय क्या कर दूसरों को मान दो, कभी मान की भूखे मत रहो। बोले इतना छोटा बनना पड़ेगा भैया, हम वैष्णव नहीं बन सकते, हम वैष्णव नहीं बन सकते हैं भैया है। इसलिए क्या किस्म इसलिए क्या है याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं कोई एक श्लोक है वहां पर कह रहे हैं भक्त बनना बड़ा सकते हैं, भक्त बनना बड़ा सकते हैं, इतने आसानी नहीं वैष्णव बनना, इतने आसानी नहीं, बड़े कष्ट से कहीं वैष्णव बनते। प्रभु जी आज शायद एक श्लोक दे रहे थे, श्लोक क्या है, इतने ब्राह्मण में इतने सत्रह जीत सह से क्या श्लोक है बोलो तो जोर से। हाँ ब्राह्मण नाम सहस्र सत्रह जंती विशेषते सत्रह जाति सहस्र सर्व वेदांत पारग सर्व वेदांत बीत कोट्या विष्णु भक्त विशेषते वैष्णव नाम सहस्र एकांतिक विशेषते। ये देखो इसमें क्या हजार हजार ब्राह्मण में एक सत्र जाति ब्राह्मण सत्र जाति ब्राह्मण को अंदर में कोई एक वेदांत को जानने वाले कोटि कोटि वेदांत बीत में कोई एक वैष्णव और हजार हजार वैष्णव में एक राधा कृष्ण की भक्त बनते। और इस राधा कृष्ण की भक्त में कोई एक विरल भक्त जो चैतन्य महाप्रभु धारा में आते हैं, बड़ी धारा में आए। एक सुंदर स्टोरी सुनो ध्यान देकर, ये गुरु जी ये स्टोरी सुनाते थे मन देकर सुनो। एक समय कोई एक मंदिर में कोई साधु था ब्रह्मचारी था, उसका सेवा था रोज गंगा जमुना से पानी लाए, एक मटकी से लेकर जाते थे मिट्टी का पात्र लेकर जमुना की पानी रोज लाते थे और यमुना की पानी से ठाकुर जी को रोज अभिषेक होता था। एक दिन क्या हुआ, उसने कुछ थोड़ी बहुत गलती किया तो गुरुदेव ने डांट लगा दी। जब गुरुदेव ने डांट लगा दिया ना उसको तो अभिमान आ गया, बोले क्या दिन भर में सेवा करता रहता हूँ और मेरे को गुरुदेव ने ऐसे डांट लगा दिए और मैं मंदिर में नहीं रहूंगा, मैं घर चला जाऊंगा। अभी सोच लिया मैं घर में चला जाऊंगा और मंदिर में नहीं रहूंगा। सोचा आज जब मैं पानी लेने के लिए जाऊंगा यमुना में, उसी समय जो मटकी को यमुना किनारे में रख करके मैं घर में चला जाऊंगा। अभी जब यमुना किनारे में आया जब मटकी को रख करके जब जा रहा था ना, और मटकी ने बात करना शुरू कर दिया, बोले साधु बाबा कहाँ जा रहे हो, मेरे को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, बोले मैं घर में जा रहा हूँ। बोले क्यों, बोले देखा ना गुरुजी मेरे को डांट लगा दिए हैं, गुरुजी मेरे को डांट लगा दिए, हमारे घर में किसी चीज की थोड़ी कमी है, खाने पीने का थोड़ी कमी, हम मंदिर में खाने पीने के लिए आए, हाँ गुरुजी देखो मेरे को डांट लगाए, मैं तो नहीं रहूंगा मैं जा रहा हूँ। तब वो कलसी ने बात किया, बोले सुन मेरे बात सुन, बोले क्या बताओ, बोले जानते हो पहले मैं कहा था, बोले कहा था, बोले लोग जहाँ पर टाटी पेशाब थूकते हैं ना पहले मैं वहीं पर था, वहां का मिट्टी था, किसी कुम्हार ने वहां का मिट्टी को लाए, जानते हो क्या किया, पहले तो काटा मिट्टी को काटते हैं कितना कष्ट होता है मिट्टी को, फिर ला कर फिर क्या किया मेरे को धूप एकदम कड़क धूप में मेरे को सूखा है, एक तो फावड़ा का काटना कष्ट सहन किया, फिर एकदम कड़ी धूप में जब दिया एकदम जीवन जैसे प्राण फट जाएगा ऐसे उसमें, फिर उसमें
कड़ी धूप में दिया, उसके बाद में छोड़ा नहीं, फिर पानी डाला, पर पानी डाला तभी नहीं छोड़ा, प्यार में खूब रोंधा, प्यार में खूब रोंधा अपना प्यार में, तभी नहीं छोड़ा। बोले क्या किया, फिर मेरे को चक्की के ऊपर चढ़ाया, चक्की के ऊपर चढ़ाया, चढ़ा चढ़ा करके फिर मेरे को बर्तन बनाया, बना बना कर देखा बर्तन कैसे बनता है, मटकी कैसे बनती है। जब मटकी बन जाती है ना, उसका अंदर से हाथ रखते हैं, एक एक लकड़ी होता है, ऐसे मारते हैं, मार मार कर पीछे को मुलायम कर, मेरे खूब पीटे, हाँ खूब पीटे मेरे को, पीट 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 करके मेरे को एक बनाया, फिर मटकी, फिर नहीं छोड़ा, फिर धूप में पता नहीं कितना दिन रखा मेरे को, वो सारे धूप मेरे को सहन करना पड़ा, उसके बाद में फिर नहीं छोड़ा। बोले क्या, बोले भाटी में चढ़ाया, देखा भाटी में कैसे चढ़ाते हैं, चारों तरफ में मिट्टी से पोत देते हैं, अंदर में कोयला और लकड़ी डाल देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, और आपको पता होगा वो आग जब लगती है तीन चार दिन में जा करके वो लाल बनता है। देखे कि नहीं मिट्टी का भाटी, कौन कौन देखे हो, देखे हो उसका अंदर में कितने कष्ट होता है उसको, है कितने कष्ट होता है आग को अंदर में जा करके मेरे पकाया, तब भी नहीं छोड़ा। बोले क्या किया, बोले मार्केट में बेचने के लिए ले आया। अब मार्केट में मिट्टी का पात्र खरीद किए होंगे तुम लोग, तो गांव के देखा हो ना, मिट्टी का पात्र जब खरीदी करते हैं पास में एक लकड़ी रख देते हैं, और जो आता है ना उसका कान पकड़ कर उठाता है और ऐसे मारता है लकड़ी से, है उसमें आवाज कैसे होता है, वो आवाज से पता चलता है ये सही नाक फटा हुआ है, जो आए कान पकड़े और ऊपर उठाए और डंडा मारे, जो आए डंडा मारे कान पकड़ कर डंडा मारे, करते 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 बाई चांस कैसे तुम्हारी गुरुजी आए, मेरे भाग्य जग गया और तुम्हारी गुरुजी ने मेरे को खरीद किया और खरीद करके लाए और ला करके मेरा भाग्य जग गया, और तुम रोज क्या करते हो उसमें पानी भर करके मेरे लिए पानी भर करके ले जाते हो मेरे को मेरे से, और मैं क्या करता हूँ ठाकुर जी को अभिषेक में लग रहा हूँ, रोज मेरे जो पानी ले जाता हूँ ना ठाकुर जी को अभिषेक होता है, और उसमें जैसे ठाकुर का सेवा करते हो, पहले तो मिट्टी का पात्र होता था ना, जैसे चंदन ठाकुर को देते हो हाथ भी उसमें लगता है, ठाकुर को जो सेंट देते हैं वो भी लगता है, पंचामृत ठाकुर को जो देते हैं देखना घड़ी से घड़ा से पानी डालते हैं, देखना ये पंचामृत दूध दही है और सेंट अगुर चंदन कर्पूर के घड़ा में लगते लगते वो घड़ा में भी खुशबू हो जाता है। बोले देखा आज मेरे शरीर से कितने खुशबू निकल रहे हैं, देखा देख रहे हो कैसे खुशबू निकल रहे हैं, तब भी जाकर के इतने कष्ट सहन करके आज मैं ठाकुर जी की सेवा में लग रहा हूं, तब भी जाकर के सेवा में लग रहा हूं, और गुरु जी थोड़ी सी डांट लगा दिए तो बोले नहीं और सेवा नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम तो घर जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, संसार जो लोग संसार किए होंगे देखना पत्नी की गाली सुनता है, पिताजी का भी गाली सुनता है, भाई के भी गाली सुनता है, बच्चों का भी गाली सुनता है, हाँ मैंने देखा है कि व्यक्ति अपना लिखाया पढ़ाया उसने बेटी को कितने लिखाया पढ़ाया उन्हें शादी कह दिया, किसी कारण से उसका डाइवोर्स हो गया, पिताजी को मैंने सुना इतने गाली देता था, बोले मेरे लिए तुमने कुछ नहीं किया, मेरे जीवन तुमने बेकार कर दिया, जीवन हमारी बर्बाद हो गई, दिन रात पिताजी को गाली देता था, इतने किया संसार में सबकी गाली है, कहते स्त्री पद ताड़िता खरई, खरई मतलब गधा, कहते ना सुबीट बरा वस्त्र खरई संस्तुत पुरुष पशु, गधा सस्ता है दिन भर काम करूंगा, जब रात को जाऊंगा ना गाधी तो थोड़ी सी मीठी मीठी बोली बोलेगी, सर पर थोड़ा हाथ घुमाएगी, वहां जाते ही गाधी क्या करता है लात मारती है, मतलब इस संसार में सबका लात खाना पड़ता है संसार में, लेकिन वहां पर है ना थोड़ी सी लात खाने पर भी वहां पर उसको बुरा नहीं मानता, जितना डंडा पड़े उतना ही उसको आसक्ति संसार में, लेकिन अगर थोड़ी सी गुरु वैष्णव कोई अच्छे के लिए थोड़ी सी बोल दिया ना बोले हो गया हमारे भजन, और हम तो घर में जा रहे हैं, अभी हम घर में जा रहे हैं, बोले नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सत लांछना सत गंजना सत अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना, गुरु वैष्णव को नहीं छोड़ना। मेरे गुरु जी कहते थे भैया किसी तरह से एक जीवन इसी मठ में बिता दो, मेरे गुरु जी कहते थे किसी तरह से सब मिलजुल कर एक जीवन मठ में
और एक जीवन मिलजुल करके ठाकुर को भजन करते हुए लगा दो। बोले क्यों? मेरे गुरु जी कहते थे, बोले भजन इतने आसानी वस्तु नहीं है। कहते हम प्रभुपाद का चरण आश्रित है, नयन मणि मंजिल का गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव का कैसे भी है, कहते इनका मैं हम चरण आश्रित साधारण व्यक्ति नहीं। लेकिन जीवन में कितने आंधी तूफान जीवन में हमारी आई, कितने आंधी तूफान जीवन में आई, प्रभुपाद से जो कथा सुने थे, एक जीवन किसी तरह से भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान की भजन प्रसाद, एक जीवन किसी तरह से अगर बीत जाए, मेरे गुरु जी कहते थे हमारा जो बिगड़ा हुआ संस्कार ही बन जाएगा। जैसे देखो मंदिर में देखो, जैसे सवेरे क्या होता है, मंगला आरती में आते हैं, सवेरे मंगला आरती में आते हैं, ठाकुर जी का हरिनाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरि कथा सुनते हैं। घर में संसारी व्यक्ति क्या करते हैं बोलो? संसार में लोग क्या करते हैं? सवेरे करते हैं क्या? संसार माया की डंडा खाते हैं, माया की डंडा खाते हैं। लेकिन मंदिर में भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बैठे हैं, तीन तीन बार यहाँ हरि कथा हो रही है, सवेरे हो रही है, शाम को हुई, फिर संध्या अभी कथा हो रही है, ये हरि कथा कहीं मिलेगी? प्रभुपाद खुद कहते हैं भैया हरि कथा इतने आसानी वस्तु नहीं है। अब देखो आप कहीं बाहर चले जाओ, बाहर कहीं चले जाओ, हरि कथा कहीं है? दुनिया में कहीं जाकर देखो हरि कथा कहीं है? भले धाम में साधु संत है, कहीं सुनने को मिलता है, कहीं हरि कथा भी सुनना है दुर्भिक्ष हरि कथा। प्रभुपाद खुद कहते हैं भगवान की विशेष कृपा जब हो तभी जीवन में बैठ करके भगवान के गुणगान, भगवान की कथा सुनने को मिलता है। जैसे तुम लोग बैठे यहाँ पर आसानी से हमको मिल रहे हैं, लेकिन जो लोग इसमें देख रहे हैं ना, बड़े कष्ट से देख रहे हैं जो लोग इसमें हैं, बैठ करके कहाँ दिल्ली में, कहाँ बम्बे में, कहाँ मद्रास में बैठे बैठ कर यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हरि कथा है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको आसानी से हरि कथा आसानी से मिल जाती है। इसलिए बड़े भाग्य से, इसलिए कहते स्वर्गे सत्ये च कैलास वैकुंठ नास्ते अमरसव। बोले ब्रह्मलोक में भी नहीं, शिव लोक में भी नहीं, कहते यहाँ तक वैकुंठ नास्ते अमरसव, ये रस वैकुंठ में भी नहीं। बोले अतः पिबंतु सद्भाग्य है, इसलिए जो सद्भाग्यवान है, कहते कथा रस में डूबते रहो, कथा रस में गोता लगाते रहो। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे भैया किसी तरह से एक जीवन ऐसे बिता दो, भगवान कथा सुन करके, तिलक लगा करके, हरि नाम करके, हाँ भगवान के प्रसाद पा करके, अगर एक जीवन ऐसे बीतेगा ना, हमारी कुछ अच्छी संस्कार बनेगी, जो संस्कार बनेगी, ये संस्कार कभी घट करके नहीं, ये संस्कार हर समय बढ़ करके प्रकट होती है, बढ़ करके प्रकट होगी। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, किसने कहा प्रभुपाद वो जो ब्रह्मचारी आया था ना वो मठ छोड़कर चला गया? प्रभुपाद कहते हैं जो गया तो गया, अभी तक तो जो है मैं सोच रहा हूँ अभी तक तो मठ में कैसे अभी तक है, ये मेरे को बड़ा आश्चर्य लग रहा है, अभी तक तो मंदिर में जो रह रहा है ना वो कैसे रह रहा है, मेरे को ये आश्चर्य लग रहा है। मतलब प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं भक्ति करना, भजन करना ना ये आसानी बात नहीं, आसानी बात नहीं। इसलिए किसी तरह से गुरु जी कहते थे एक जीवन बिता दो, इस तरह से बिता दो, संस्कार बनेगा तो अगले जीवन में फिर हमें भजन करने की सौभाग्य मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे बोले जय देश जय कुल वैष्णव अवतरे, तहार प्रभाव लख जजन निस्तारे, जिस स्थान वैष्णव गण करे न विजय सही स्थान है अति पुण्य तीर्थमय, जहाँ पर वैष्णव लोग विजय करते हैं वह स्थान अत्यंत अत्यंत स्थान पवित्र हो जाता है। बोले नव दीप है न ग्राम त्रिभुवन नाई, जही अवतीर्ण है ल चैतन्य गोसाई, अवतरिवेन प्रभु जानिया विधाता, सकल संपूर्ण करी थुइलेन तथा। नवद्वीप धाम की महिमा बता रहे हैं, बोले नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवन नाई, जही अवतीर्ण है ल चैतन्य गोसाई। कहते नवद्वीप धाम में जिस जगत में कोई धाम है नहीं जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतीर्ण हुआ। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, अनंत सहिता बोले पार्वती ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, कोई करोड़ों करोड़ बार सारे तीर्थ में चले जाए, लेकिन अगर कोई एक बार श्री नवद्वीप धाम में जाए, वैष्णव का अनुगत में परिक्रमा लगाए, तो उससे भी करोड़ों गुण ज्यादा उसको सौभाग्य प्राप्त होगा जो श्री नवद्वीप धाम में परिक्रमा जाकर के लगाएगा, नवद्वीप में वास करेगा,
ये शंकर जी पार्वती को ये बात कह रहे हैं। इसलिए बोले त्रिभुवन है ना, ग्राम त्रिभुवन नाई, ऐसे ग्राम त्रिभुवन में नहीं जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ग्रहण करेंगे। इसलिए अभी महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे, इसलिए क्या हुआ वहां पर, कहते सकल संपूर्ण करी थोई लेने तथा, उन्होंने क्या किया पूरा नवद्वीप धाम महाप्रभु आएंगे, पूरा नवद्वीप धाम को दुल्हन जैसे जोग माया ने बड़े सुंदर उनने सजा करके रख लिया। बोले नवद्वीप में उस समय विद्वता कैसे था, बोले सबे महा अध्यापक करी गर्भ धरे बालको भट्टाचार्य सने कख्या करे, क्या बड़े बड़े पंडित है उस समय में, क्या बड़े बड़े पंडित, बोले साधारण छोटे बच्चे बड़े बड़े विद्वानों को साथ में तर्क वितर्क करने लग जाते हैं तर्क वितर्क, ऐसे उनको बालों को अंदर में इतने विद्वता हुआ करता था। इसलिए कहते नवद्वीप पढ़ने से विद्या रस पाई, मतलब जब तक श्री नवद्वीप में कोई नहीं पढ़ते थे तब तक विद्या उसको पूरा विद्या रस प्राप्त नहीं होता था। इसलिए कहते रमा दृष्टि पाते सर्व लोक सुखे बसे व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे, कहते वहां पर तो रमा जी मतलब लक्ष्मी, इसलिए कहते ना जयती तिथि काम, बोलो उसके बाद में जन्म ना आप्रज श्रयत इतिरा सस्वतत्र दाई तद्रीक्षता एक सुता अबका कोई धृता तब गोपियां कह रही हैं जन क्या कर रहे जयति ते दिगम जन्म ना ब्रज तुम्हें तो इतने घूर बसो, इसलिए कल के मंगलारती आज तो बुद्धि तुम्हारी ठीक हो जाए, मंगलारती ना आले बरे अच्छे बुद्धि हाँ मंगला तो 4 बजे हो रहे नहीं 4 बजे हो रहे हाँ? इसलिए 4 बजे कीर्तन शुरू हो जाती है मंगल आरती में, 4 बजे कीर्तन शुरू हो जाती है, 4:30 बजे हो रहे हैं और 4 बजे होने पर आएंगे, कौन बोल रहा है, इसलिए अब आएंगे तो हम 4 बजे शुरू कर दें। इसलिए हरे कृष्ण, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, इसलिए जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत रहे, इसलिए ये गोपियां कह रहे हैं बोले हे श्याम सुंदर जब तुमने ब्रज में जन्म हुए हो तब से क्या हुआ, जो वृंदावन जो धाम है ये लक्ष्मी की ये क्रीड़ा भूमि बन गई, नित्य शाश्वत रूप में यहाँ लक्ष्मी की निवास है। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मी महाप्रभु आएंगे, इसलिए लक्ष्मी तो पूरा नवद्वीप धाम को एकदम सजा दी, लेकिन एक ही दुख है, लेकिन केवल समय उनकी व्यवहार रस में ही समय उनको बीत रहा है, मतलब ये सब के सब केवल आहार निद्रा भय मैथुन बिता रहे थे हैं, खाना पीना सोना और बच्चों को जन्म देने में ही अपना समय को ऐसे बिता रहे थे। कहते लेकिन उसी समय में कहते श्रोतार सहित जमपा से डूबी मरे, उस समय गीता रामायण भागवत पढ़ते थे लेकिन पढ़ने पर भी भक्ति का कोई व्याख्या नहीं करते थे, शास्त्र का जो तात्पर्य जो भक्ति भगवान की कोई भक्ति नहीं करते थे, कोई हरिनाम नहीं करते थे, इसलिए श्रोता को साथ में सबके सब डूब करके मरते थे। इसलिए अगर कोई तपस्वी कोई विरक्ति कोई अभिमानी है लेकिन उनके मुंह में भी भगवत नाम नहीं दिखता था, इसलिए गीता भागवत जे जन पढ़ाए भक्ति व्याख्यान नहीं तार जीवाए, अगर गीता भागवत अगर कोई पढ़ते थे लेकिन उनको मुंह में भक्ति का कोई भी व्याख्यान नहीं, केवल आपस में तर्क वितर्क है इसी में ही अपना जीवन को बिताया करते थे।
इसलिए बोले जहाँ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझे तुम्हें सिद्धांत। अगर बगैर वैष्णव के अनुगत में गीता भागवत पढ़ेंगे ना भक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए गीता गोबर में अब किसी व्यक्ति को जगत का दुनियादारी किसी व्यक्ति को जाकर बोलो गीता का सार क्या, बोले कर्म। कृष्ण अर्जुन को यही सिखाया गया ना लास्ट में युद्ध कर, ये कर्म गई। महात्मा गांधी का भी गीता गोबर टीका है, कोई भक्ति का बात नहीं बोलेगा, कोई भक्ति का बात नहीं बोलेगा। इसलिए बोले अगर वैष्णव का अनुगत्य में अगर गीता भागवत पढ़ेंगे तभी हमें भक्ति की महिमा हमें पता चलेगा। इसलिए गीता भागवत जे जितने पढ़े जने पढ़ाए भक्ति व्याख्यान नाही ताहर जिवाए। बोले तुलसी मंजरी सहित गंगा जले निराविद सेवे कृष्ण महाकुतुहल। श्री अद्वैत आचार्य ने उन्होंने देखा कोई भी भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहे, इसलिए अद्वैत आचार्य को बड़ा क्रोध आता था। क्यों? अद्वैत आचार्य ये महाविष्णु जगत को सृष्टि करने वाले, लेकिन मैंने जगत को सृष्टि इसलिए किया, किसलिए किया? केवल खाने पीने के लिए थोड़ी सृष्टि किया, जगत को तो इसलिए सृष्टि किया जगत में लोग भगवान की भक्ति करे, भगवान की भजन करे, इसलिए सृष्टि किया। लेकिन कोई भगवान की भक्ति भक्ति भजन भजन कर ही नहीं रहे, इसलिए कभी कभी उनको अंदर में बड़ा क्रोध आता था। अगर मेरे प्रभु को मैं अवतीर्ण नहीं करा पाऊंगा तो सुदर्शन चक्र लेकर के सबके सबक में मार डालूंगा, सबके सबक में खत्म कर डालूंगा। इसलिए अद्वैत आचार्य कहते ये नवद्वीप वैश्य पंडित श्रीवास जहार मंदिर है चैतन्य विलास है। कहते ये श्रीवास पंडित ये चार भाई थे, श्री सचिन नंदन गौर हरि की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की। कहते ये चार भाई, ये चार भाई क्या करते थे? दिन रात अपना परिवारों को लेकर के सबके सब भगवान की नाम कीर्तन करते थे। देखा भगवान को कैसे जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर सकता हूँ। उन्होंने एक श्लोक मिला, जो श्लोक में लिखा हुआ था कि यहाँ एक गंडूस गंगा जल और उसमें तुलसी पत्ता देकर के अगर भगवान को पुकारोगे तो भगवान इस जगत में उसका ऋणी से उरिणी बनने के लिए अपना सर को खुजाने लग जाते हैं। इनका ऋणी से मैं उरिणी कैसे बनूंगा? इसलिए श्री अद्वैत आचार्य ने किया क्या, उन्होंने महाप्रभु का आह्वान किया तो महाप्रभु ने करके भगवान इसी मर्त्य जगत में आ गए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
गौरांग जय नितारी गौरांग नितारी 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 गौरांग नितारी गौरांग जय नितारी गौरांग जय सच्चिदानंद जय गौरहरि जय सच्चिदानंद जय गौरहरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।